एलिगेशन बहुत लगे ने भी पैसों की खरीदो फरोखत हुई है, इन्हें पैसे मंगे गए, तुम भी पैसे पूसे दिते आम आदमी पार्टी। एलिगेशन लाने वाले तो खुद करप्ट ने, वो मेरी की बराबरी करेंगे। मेरे तो जो इन्होंने एलिगेशन लाया कि दया साहब ने भी पैसे दे के टिकट ली होगी, वो कहते हो सकता है, उन्हें ये नहीं कहा कि उन्हें कहा कि उन्हें ली है। कभी उम्मीद की सी भी मेन स्ट्रीम के विधायकी के इलेक्शन लड़ोंगे? उम्मीद तो सी, मैं एक चैलेंज दिता उन्होंने, जेडे भी गल भगवंत मान साहब की कहें भी ये शराबी ने शराब पीते हैं, सिर्फ एक एप्लीकेशन सिविल अस्पताल से जाके आपका डोप टेस्ट करा लें, सच्चाई सामने आ। जो आशु बंगड़ नूं इत्थों गल्लां बातां दे विचों कहिंदे ने पैसे मंगे गए, वो रोण लग पैंदे ने, तुसीं किस तरह देखदे हो, क्या कहना थोड़ा इस पूरे मामले नूं लैके? ड्रामेबाजी, रात नूं निकलदे ने, हुण पिंडां दे विच इन्हां दी जमीन खिसक चुकी है, जिहड़ा ग्राउंड लैवल ते रिजल्ट उन्हां दे सामने आ चुकिया, हुण उन्हां कोल रोण तों इलावा कोई ड्रामेबाजी हो रही है, सिर्फ रो के सिंपथी हासिल करन दी कोशिश कर रहे। सरहदी शहर फिरोजपुर के प्रचार वक्-वक् पार्टियां दे वक्-वक् उम्मीदवारां वल्लों जंगी पद्धर ते कीता जा रहा है। फिरोजपुर रूरल की गल की जाए तो आम आदमी पार्टी के रजनीश दहिया कैंडीडेट ने काफ़ी जंगी पद्धर ते इन्हां वल्लों भी प्रचार किया जा रहा। हालांकि फिरोजपुर रूरल की गल की जाए तो इत्थे दिलचस्प मुकाबला इसलिए बन जाता है क्योंकि आशु बांगड़ जिसनों इत्थों टिकट दिती गई सी उसने हुण कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो कांग्रेस पार्टी वालों इतों चोन लड़ी जा रही है उन्होंने वालों, तो रजनीश दहिया साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने। पहला तो सर एलीगेशन बहुत लगे ने भी पैसों की खरीदो फरोखत हुई है, इन्हें पैसे मंगे गए, तुम भी पैसे पूसे दिते आम आदमी पार्टी? पहला तो मैं थोड़े चैनल देते अज तुसी जी इंटरव्यू करे, मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता। एलीगेशन लाने वाले तो खुद करप्ट ने, वो मेरी की बराबरी करेंगे? जे कहते हैं कि मेरे तो 30 लाख मंगया, मेरे तो 20 लाख मंगया, उन्हें को ना तो कोई सबूत है। एक ऑडियो वायरल हुई है, ऑडियो सर टेक्नोलॉजी का टाइम है, कुछ भी एडिट हो सकता है। जॉनी लिवर साढ़े एक इन्ने होनेस्ट ते इन्ने जबरदस्त कलाकार रहना है, उन्होंने तो भावें तुम दिलीप साहब की आवाज़ के रिकॉर्डिंग करा लो, अमित जी की रिकॉर्ड करवा लो, भावें किशोर दास जी करा लो, जिनी मर्जी करा लो, टेक्नोलॉजी का युग है, थोड़ी आवाज़ भी कोई कॉपी कर सकता, मेरी आवाज़ भी कोई कॉपी कर सकता, दिस इज नॉट द सॉलिड प्रूफ। और एलीगेशन की जितों तक गल है कि टोकना चाह रहे हैं दैया साहब कि सुचा सिंह छोटेपुर पार्टी के बाहर कटिया गया, ऑडियो ही दे सिर पर उन्होंने पार्टी चो बाहर कटिया गया, थोड़ी जानकारी लिए दसदा, तो हूँ ऑडियो एक वायरल हुई आम आदमी पार्टी से खरीदो फरोखत ही, क्योंकि हूँ ज़्यादा असं नैगेटिव सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि समा बहुत घट रह गया, थोड़े को भी हूँ असं चलते चलते इंटरव्यू कर रहे हैं। देखो ऑडियो क्लिप दे विच किन्नी की सच्चाई है, इहदा फैसला किने करना है? कोर्ट ने करना, एविडेंसिस होंदे ने, ट्रायल चलता है, कोर्ट का डिसीजन आएगा, पता लग जूगा। और मेरे तो जो इन्होंने एलीगेशन लाया कि दया साहब ने भी पैसे दे के टिकट ली होगी, वो कहता हो सकता है, उन्हें ये नहीं कहा कि उन्हें कहा कि उन्हें ली है, हो सकते ने, तो मैं कोई कुछ भी प्रज्यूम कर सकता किने किसी प्रज्यूम कर रोक नहीं सकते। सैकेंड गल है कि मैं तो बिल्कुल घर बैठा सी, कहने वाले सुते पे से, मैंने तो सुते पे पार्टी ने टिकट दी है, और मेरे समेत पंजाब के 117 विधानसभा जिन्हें भी उम्मीदवार ने, पार्टी का मुख एजेंडा करप्शन फ्री स्टेट बना, इतने जिन्होंने भी टिकट मिली ने काम के आधार पर मिली है, कई वड्डे चेहरे पार्टी शामिल होए सी, लेकिन क्योंकि वो उन्हां दी ईमानदार सोच, उन्हां दी ईमानदारी, उन्हां दी जिहड़ी इमेज सी उहदे आधार ते उन्हां नूं टिकटां मिलियां ने। रजनीश दहिया ने ना तो किसी नूं सिंगल रुपया दिता है ते ना ही किसी तो सिंगल रुपया लिया। इलैक्शनां दे विच मसल पावर, मनी पावर, शराब सारा कुछ यूज होवेगा, भी मेरे ख्याल नाल हो भी रहा होगा जे मैं गलत नहीं हाँ, तो तुसीं किन्नी की वरता रहे हो? जनाब मैं तो खुद राधा स्वामी बंदा, और सैकेंड गल मेरे तक जे मैं सिक्योरिटी गनमैन मिले हुए हैं, यदा सरकारी बंदे ने, तुम इन्हों का पुछ के वेख लो इन्होंने किन्ने की पीती। रजनीश दहिया का एक मोटिव है कि मैं हल्के सेवा करने वास्ते आया,
ना कि मेवा कमाउण वास्ते आए। जिन्हां दे कोल मेवा कमाउंदे ने ना वो इदां दे इलीगल मीनस करदे ने, उन्हां दी स्ट्रैटेजी इलीगल वे नाल इलैक्शन जितना, उन्होंने साम दंड भेदभाव ये सारिया चीज़ा वरतने वे असी तां इलैक्शन जितना। असी इलैक्शन आम आदमी पार्टी हलका फिरोजपुर देहाती दे जितन जा रही है प्रेम सद्भावना भाईचारक सांझ आपसी तालमेल। मेरे काफले दे विच जिहड़ियां भी 5-7 गड्डियां चल रही ने इन्हां च एक भी मेरी ने। लोग आप मुहरे हो के आप दीआं गड्डियां लैके आ रहे ने, तेल उन्हां दा पै रहा, मैनू आप नहीं पता होंदा कि मैं किहड़ी गड्डी च बहना। लोग अज इन्ना प्यार सत्कार कर रहे ने कि लोग कहिंदे ने बई जी अज तुसीं साडी गड्डी च बैठो, अज तुसीं साडी गड्डी च बैठो। मेरे दफ्तर दा लंगर चल रहा, संगतां वास्ते लंगर पक रहा, मैनू ये नहीं पता कि आटा कित्थों आ रहा ते दाल कित्थों आ रही है। लोग आप मुहारे होके लगे हुए ने। सेवा एक जिवें यज्ञ हुंदा ना, यज्ञ दे विच हर बंदे दी कोशिश है कि असी आपदा कोई हिस्सा पाईए। ये एक यज्ञ हैगा। हुण इलैक्शन कमीशन ने 40 लाख रुपए की लिमिट रखी है भी 40 लाख तो उत्ते क्रॉस नहीं आना। मेरा तो सारे इलैक्शन से नहीं 40 लाख रुपया लगना, मैं तो मैक्सीमम तो मैक्सीमम जो होएगा तो लखा की तो गल बहुत दूर चलेगी, शायद अभी तो 4-5 लाख इलैक्शन लड़ लाँगे। रजनीश दहिया नू जिन्ना क असी इन्हां बारे जानकारी हासिल की है, बड़े ग्राउंड लैवल तो 0 लैवल तो उठे ने, कभी उम्मीद की सी भी मेन स्ट्रीम के विधायकी के इलैक्शन लड़ोंगे? उम्मीद तो सी, उम्मीद सी ताई इस पहुँचे क्योंकि पार्टी दे विच पार्टी लई काम किया, ग्राउंड लैवल ते किया, पार्टी लई पोस्टर भी लाए ने, दरियां भी बिछाइया ने। मैनू एक याद है साधु धर्मसोत जी के खिलाफ जो इन्हां दे वजीफा घोटाले चले सी, ते उदों मैं एस सी विंग दे विच जिला प्रधान सीगा, ते मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी लई सी भी आपां इत्थे भुख हड़ताल चलाउणी, तां करीब 5 दिन वह भुख हड़ताल चली सी। तो उन्होंने लैके मैं एक दिन दरिया बिछा रहा सी, किसी मेरे सत्कारयोग साथी ने वलंटियर भरा ने वो दरिया खिंचती हुई दी फोटो खिंच के उन्होंने फेसबुक पर अपलोड करती, तो उद्दे कई कमेंट्स आए, कई ने गुड किया, वैरी नाइस किया, इंप्रेसिव किया, लेकिन कई कमेंट्स आए और कमेंट्स ये कि कमेंट्स ये कि बई अज हुण दरिया बिछाउण वाले दा नू पार्टी च कुछ नहीं मिलता, हुण मिलता तो उन्होंने जिन्हों तजोरियां वड्डियां हुंदियां ने या जिन्हों जेबां वड्डियां हुंदियां ने। पर मैं उन्होंने अज तुहाडे चैनल के माध्यम राही एक जवाब देना चाहता कि ये आम आदमी पार्टी है, इत्थे दरिया बिछाउण वाले की ज़्यादा कदर हुंदी है, नोटां जेबां वाले की नहीं हुंदी। मैं दहिया जी कई आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट्स ने लीडर ने उन्होंने इंटरव्यूज कीतियां, खास तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा भगवंत मान नूं लैके बनाया गया, पर अजकल सोशल मीडिया से कूड़ प्रचार भी किया जा रहा है, जिस तरीके दे नाल पुरानियां वीडियोज़ कट के भगवंत मान दियां वायरल कीतियां जा रही ने, शराबी अज की डेट के भी कई विरोधी कहते हैं भी शराब के हुण लगता रेट सस्ते हो जाएंगे, इसनों किस तरह देखते हो तुसीं? राजनीति का मोड़ किधरले पासे जा रहा है? राजनीति का मोड़ तो इन्होंने बहुत टेढ़ा किया होया सी, लेकिन आम आदमी पार्टी आ रही है हुण राजनीति का मोड़ सीधा हो रहा। जिहड़ी ये गल करते हैं कि शराब पींदे ने, मैं एक चैलेंज दिंदा उन्होंने, जिहड़े भी गल भगवंत मान साहब की कहिंदे ने भी ये शराबी ने या शराब पींदे ने, सिर्फ एक एप्लीकेशन सिविल हस्पताल च जाके आपका डोप टेस्ट करा लैन, सच्चाई सामने आ जाएगी। जिहड़े कहिंदे ने जिहड़े कहिंदे मतलब तुसीं इस गल तो मुनकर नहीं हो रहे भी भगवंत मान शराब अजे भी पींदे ने? मतलब तुसीं उन्हां नूं टारगेट कर रहे हो जिहड़े ये कह रहे ने भी उन्हां ते इल्जाम लगा रहे? थोड़ी नॉलेज दे वास्ते मैं थोनों एक चीज़ दस रहा कि बरनाला दे विच एक रैली हुई सी, एक जनसभा हुई सी, अरविंद केजरीवाल जी साडे नैशनल कन्वीनर उत्थे आए सी। मान साहब ने तो पहले ही कहता कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन विरोधियों को जवाब देने वास्ते मान साहब ने भरी पंचायत के जी बरनला कॉन्फ्रेंस सी आपकी माँ की सहु दिती सी। मेरी एक लैट मी फिनिश वो भगवंत साहब ने आपने माँ के सिर पर हथ रख के कहा कि मैं शराब नहीं पियाँगा, और थानू पता तुसी पंजाबी हो मैं पंजाबी हाँ, पंजाब दे विच सहु का बड़ा महत्व हुंदा। अपने इत्थे जदों बंदा कहिंदा ना यार मैं सहु देना, तो सामने वाला बंदा अख बंद करके उद्दे विश्वास करता है, लेकिन ये इलैक्शन स्टंट है भी हुण इन्हां नूं पता मान साहब के खिलाफ इन्हां नूं कुछ नहीं लभ्या, करप्शन का कोई एलीगेशन नहीं, कैरेक्टर का कोई एलीगेशन नहीं, किसी भी किस्म का कोई एलीगेशन नहीं। जो तो कुछ नहीं लभ्या तो कहते चलो यार शराब पींदा, हुण ये एलीगेशनस है। मान साहब बेदाग ने, मान साहब पंजाब की आस है, बेरोज़गारा की आस है, और मान साहब पंजाब का माण लोग एवें नहीं कहते। कितना बूस्ट मिलेगा भगवंत मान नूं लैके सीएम चेहरे नूं लैके, ते दूसरा लोगों का
ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਸਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਜੇ 20-25 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਘੱਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90% ਹਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰੂਰਲ ਤੋਂ MLA ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਰੋ ਕੇ ਸਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 80% ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਫਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ 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 ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ 10-10, 12-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 2 ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
प्रचार किया जा रहा, पर हुण देखना यह होगा खास तौर पर फिरोजपुर रूरल के लोगों का मैंडेट, उन्हों का समर्थन किहड़ी पार्टी नूं जांदा है, किहड़े कैंडीडेट नूं जांदा है। कैमरामैन रमेश दे नाल प्रहलाद संगेलिया, द स्टोरी टीवी, फिरोजपुर।